बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में सबसे पहले हम कुछ फॉर्म्स जो हैं पढ़ते हैं, लाइन की, स्ट्रेट लाइन की, इक्वेशन की फॉर्म्स। ठीक है, तो पहले तो हमने एक फॉर्म पढ़ चुके हैं जो कि थी पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखते थे, एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन। सही, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता था, m जो है वो स्लोप थी। ठीक है, x1 और y1 जो है x y कोऑर्डिनेट्स होते थे उस पॉइंट के जो कि उस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अच्छा, कुछ और हम पढ़ते हैं आज फॉर्म्स। एक तो होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम किस तरह से उसको देखेंगे कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसमें y जो है वो एक वेरिएबल है, x जो है वो भी एक वेरिएबल है, जिस तरह ऊपर था। ठीक है, x और y ये दोनों वेरिएबल्स हैं, लेकिन इसमें m क्या है, वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस तरह के पहली इक्वेशन में भी m जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, c जो है वो एक कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अच्छा, आप इसमें m की जगह भी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि स्लोप की भी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, समथिंग जो भी हो सकती है, तो m की जगह भी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, c की जगह भी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन होगी लाइन की, ठीक है, उसको हम कहेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सही, तो इसको मैं लिख देता हूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पर इसको मैं लेबल भी कर देता हूँ इस तरह के, इसमें जो है m जो है वो स्लोप है। सही, और x1 x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट, और y1 जो है y कोऑर्डिनेट है, किसका, ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लाइन ऑन लाइन, यानी कि जो पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा होगा उसका y कोऑर्डिनेट है, और इसी तरह से x कोऑर्डिनेट, x1 जो है x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट लाइन ऑन लाइन। अच्छा, अब इसमें भी हम देखते हैं y जो है वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, m जो है वो है स्लोप, हम स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये c है कांस्टेंट है कोई भी। ठीक है, इसको इंटरसेप्ट कांस्टेंट कहते हैं, इंटरसेप्ट है। सही, अच्छा, अब हम तीसरी फॉर्म पे आते हैं। तीसरी फॉर्म वो क्या फॉर्म है, थर्ड फॉर्म जो है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, उसमें दो इंटरसेप्ट्स आ जाते हैं, तो वो उसकी शेप क्या होती है, उस फॉर्म की, उस इक्वेशन की क्या शेप हो सकती है, x ओवर a, जनरल मैं लिख रहा हूँ x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू वन। ठीक है, इज इक्वल टू वन, वन हमेशा वन ही रहेगा। ठीक है, ए और बी की जगह कोई भी कॉन्स्टेंट आ सकते हैं, नेगेटिव में, पॉजिटिव में, ठीक है, कोई भी कॉन्स्टेंट अगर आ जाए इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म की इक्वेशन को हम कहेंगे टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, अब ये एक है चीज है, ए जो है वो है एक्स इंटरसेप्ट और बी जो है वो है वाई इंटरसेप्ट। ये ए इसको कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, मतलब के एक्स को वो पॉइंट या वो लाइन कहां पर कट कर रही है। ठीक है, और ये बी जो है वो है वाई इंटरसेप्ट, मतलब के वो लाइन जिसकी ये इक्वेशन है
वो वाई एक्सिस को कहां पर कट कर रही है। ठीक है, जैसे कि इस तरह से है ना, ये एक्स वाई एक्सिस हमने पढ़ा था, ठीक है, कोई एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये तो ये लाइन है, ठीक है, इसकी ये इक्वेशन है, सही है। तो ये क्या चीज है, वो एक्स इंटरसेप्ट है, मतलब कि यहां से लेकर ओरिजिन से लेकर यहां तक, इस तक का डिस्टेंस जो बनता है ये डिस्टेंस, सही है, ओरिजिन से लेकर इस एक्स को जहां पर वो पॉइंट कट कर, वो लाइन जो वहां पर कट करी है वो बनता है एक्स इंटरसेप्ट, मतलब कि ये ए है, ठीक है, ओरिजिन से लेकर वो पॉइंट जहां पर लाइन जो है एक्स एक्सिस को कट कर रही है, तो वहां तक का जो डिस्टेंस है वो ए बनता है, और ये जो ओरिजिन से लेकर वो पॉइंट जहां पर वो लाइन y एक्सिस को कट कर रही है, तो ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस बनता है b, ठीक है, तो इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट और इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, सही। तो ये इस तरह से इस इक्वेशन में, इस फॉर्म में जो इक्वेशन होगी उसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म कहेंगे, क्योंकि उसमें x इंटरसेप्ट भी आ रहा है और y इंटरसेप्ट भी आ रहा है, दोनों इंटरसेप्ट आ रहे हैं, ठीक है, जो कि ये रेशियो x ओवर a, x ओवर x इंटरसेप्ट प्लस वाई ओवर वाई इंटरसेप्ट हमेशा इक्वल होगा वन के, ठीक है, ये वन हमेशा वन ही देगा, बाकी एक्स और वाई वेरिएबल है। अच्छा, एक और फॉर्म है इक्वेशन की, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की, नॉर्मल फॉर्म उसे कहा जाता है, ठीक है, तो उसकी शेप क्या होती है उस इक्वेशन की, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, सही। अच्छा, अब इसमें एक्स क्या है वाई क्या है, एक्स और वाई तो वेरिएबल्स हैं जैसे पहले तीनों इक्वेशंस में हैं, ठीक है, उसके बाद कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस और साइन तो ट्रिगोनोमेट्रिक जो है टर्म्स हैं, सही है, अल्फा क्या चीज है, अल्फा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो कौन सा एंगल है वो हम देखते हैं, और पी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, तो वो भी हम देखते हैं कि ये तीनों दोनों चीजें क्या चीजें हैं। अच्छा, लेट्स सपोज एक हम एक्स वाई एक्सिस हम पहले ड्रॉ करते हैं, ये एक्स वाई एक्सिस, ठीक है, और यहां पर एक लाइन लाई कर रही है इस तरह के, ये एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं यहां से, इसमें इंटरसेप्ट भी आया था, वाई इंटरसेप्ट भी आया था। अच्छा, अब ये एक लाइन है, ठीक है, ग्रीन कलर में जो लाइन नजर आ रही है ये लाइन है जिसकी ये इक्वेशन है, ठीक है, तो अब इसमें अल्फा क्या चीज है, ठीक है, और पी क्या चीज है, वो चीज हमने देखनी है कि अल्फा क्या है और पी क्या है। अच्छा, अब लेट्स सपोज अगर ओरिजिन से मैं इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, मतलब कि 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए इस लाइन के साथ, ठीक है, इस ओरिजिन से, एक्स एक्सिस के ओरिजिन से मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये बनेगा परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बना, मतलब कि ये एंगल क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, सही। अच्छा, अब क्या है कि इसमें ये जो 90 डिग्री जो बन रहा है, ठीक है, इस लाइन की वजह से, सही है, और इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनता है वो है अल्फा, ये अल्फा बनता है, ठीक है, मतलब कि जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन के ऊपर, ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो उस परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनता है वो अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है इन जनरल टर्म में, ठीक है, इन जनरल फॉर्म में, मतलब कि ये मैंने एक जनरल फॉर्म लिखी है, यहाँ पर कॉस अल्फा की कोई ना कोई वैल्यू होगी या साइन अल्फा की कोई ना कोई वैल्यू होगी, सही, ये एक मैंने जनरल इक्वेशन लिखी है जिसको कहा जाता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में लिख देता हूँ उसको, नॉर्मल फॉर्म, इसको नॉर्मल फॉर्म कहा जाता है ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो अब पी क्या चीज है, पी देखते हैं, पी ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सही है, इसका डिस्टेंस जो है, मतलब कि यहां से लेकर ओरिजिन से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस, इस परपेंडिकुलर लाइन का जो डिस्टेंस बनता है वो पी है, सही है, मतलब कि इसको हम पी कह सकते हैं इस पॉइंट को, तो ये बनेगा इसका डिस्टेंस,
सही, इस पॉइंट को हम पी भी कह सकते हैं, क्योंकि फिर पी का स्क्वायर प्लस समथिंग जो भी हम है डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो पी ही आएगा। तो ये बन गया हमारे पास, पी भी आ गया। पी क्या चीज है? डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। हम सिंपली इसको अगर कहना चाहें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, सही है। किसका डिस्टेंस? इस लाइन का, जो भी लाइन है, यहाँ पर भी हो सकती है, ठीक है। एक मैंने जनरल लाइन ले ली, ये ग्रीन कलर में जो लाइन नजर आ रही है। तो अल्फा क्या हो गया? परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है ओरिजिन से उस लाइन तक, वो परपेंडिकुलर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो अल्फा है, ठीक है। और साथ में जो पी क्या चीज है? पी जो है वो उस परपेंडिकुलर लाइन का डिस्टेंस है, सही। और दूसरा जो है साइन और कॉस, वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, या ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स हैं। उसके अलावा एक्स और जो वाई है वो क्या है? वेरिएबल्स हैं, जिस तरह पहली तीन टर्म्स, पहली तीन फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में हमने पढ़ी, ठीक है। तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली। ये चार फॉर्म्स हमने अभी तक पढ़ी हैं। कौन कौन सी फॉर्म्स हैं? एक तो सबसे पहले हमने पहले जो पढ़ते आए हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसमें एक पॉइंट आ जाता है, ठीक है, जिसमें एक एक्स वन जो है एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता है उस पॉइंट का, वाई वन जो है वो वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है, ठीक है, उस पॉइंट का जो कि लाइन के ऊपर लाई कर रही है। उसके अलावा एम जो है वो स्लोप को प्रेजेंट करता है। उसके अलावा इसमें क्या है? एक्स और वाई है वो वेरिएबल्स हैं, सही। अब इसके अलावा जो है दूसरी फॉर्म मैंने पढ़ी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है? इस फॉर्म में, इस फॉर्म जो में जो भी इक्वेशन आएगी, ठीक है, उसको हम कहेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। एम इसमें जो है वो स्लोप है, सी जो है इंटरसेप्ट आ जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। और एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने थर्ड फॉर्म हमने पढ़ी है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है? एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू वन, ये वन हमेशा वन रहेगा। एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं इसमें, और ए जो है वो एक्स इंटरसेप्ट है उस लाइन का, और बी जो है वो वाई इंटरसेप्ट है। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, वो हमने देखा कि एक्स एक्सिस को वो लाइन जहां पर कट कर रही होगी वो एक्स इंटरसेप्ट बन जाएगा, और वाई एक्सिस को वो लाइन जहां पर कट कर रही होगी वो वाई इंटरसेप्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये वो की थर्ड फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म हमने पढ़ी नॉर्मल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है। तो एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, इसमें अल्फा जो है वो एंगल है विद एक्स एक्सिस ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट लाइन, ठीक है। तो जिस तरह के हमने ये देखा था कि ओरिजिन से उस लाइन तक जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, वो परपेंडिकुलर लाइन का एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बनता है वो अल्फा है, ठीक है। और पी जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, यानी कि ओरिजिन से इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, ये तो चारों फॉर्म्स हमने पढ़ ली, देख ली इनमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, क्या डिफरेंस है इनमें। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 में हमें कहा गया है, हमें एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो उसमें हमें कहा गया है कि हमने कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, और नॉर्मल फॉर्म में। हमें इक्वेशन दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन है 2x - 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। अब ये सिंपल सी फॉर्म में हमें दी हुई है, तो हमें कहा गया है कि आप इसको एक तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है। नंबर वन तो है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और दूसरा, हमने इसको, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। अच्छा, अब नंबर थर्ड पे हमें गिवन है कि आपने कन्वर्ट करना है इसी इक्वेशन को, लाइन ऑफ इक्वेशन को, नॉर्मल फॉर्म में।
अच्छा, अब पहले तो हम देखते हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने जो पहले पढ़ी, ठीक है, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। तो हमने जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी वो थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सही। तो इस इक्वेशन में y को हम लेफ्ट साइड पर रहने देते हैं और बाकी सब चीजें, बाकी सब टर्म्स जो हैं वो हम राइट साइड पे ले जाते हैं। तो फिर देखते हैं ये इक्वेशन क्या बनेगी। तो इसको मैं करता हूँ दोबारा से, इक्वेशन लिखता हूँ 2x-4y+11 इज इक्वल टू जीरो। देखें ना, सिर्फ अगर आप जनरल फॉर्म देखें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की, उसमें y जो है वो लेफ्ट साइड पे है, बाकी सब चीजें जो है, बाकी सब टर्म्स राइट साइड पे हैं। तो हम इसमें भी इस तरह करते हैं कि y वाली टर्म को इस साइड पे रखते हैं और बाकी सब टर्म्स को राइट साइड पे ले जाते हैं। तो एक एक स्टेप से मैं, सिंगल स्टेप से मैं ये करता हूँ क्वेश्चन। तो पहले 11 और 2x को साइड पे ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, -4y इज इक्वल टू 2x, यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर आके माइनस हो जाएगा नेगेटिव -2x, और 11 जो है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है, ऐड हो रहा है इसमें, तो यहाँ पर आके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अभी भी इसमें और इसमें देखें डिफरेंस क्या है कि y के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ 1 है, ठीक है, जो कि उसकी जगह हम कुछ भी शो नहीं करते, सही है। तो मतलब कि सिंगल वाई है, तो यहाँ पर भी सिंगल वाई बनाने के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर -4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि यहाँ पर -4 जो है वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम खत्म करने के लिए -4 को -4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जब इसको -4 से डिवाइड करेंगे लेफ्ट साइड को, तो उसका मतलब है कि इक्वेशन को लेफ्ट साइड पे जो काम करेंगे वही काम राइट साइड पे करेंगे, तो मतलब कि दोनों साइड पे हमें -4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम पहले तो लिखते हैं कि ये हम कर क्या रहे हैं, डिवाइडिंग विद -4 या डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -4, सही। चले अब इसको डिवाइड करते हैं, -4y/-4 इज इक्वल टू -2x-11/-4, सही। दोनों साइड को मैंने -4 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे देखें तो -4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गए। तो इससे जो हमारे पास बचा है y इज इक्वल टू -2x-11/-4, ठीक है। अब दोबारा से हम जनरल इक्वेशन पे आते हैं जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी, ठीक है, उसमें क्या है, y इज इक्वल टू mx+c, मतलब कि ये दोनों टर्म्स जो हैं वो सेपरेट हैं, यहाँ पर -4 से हमने डिवाइड करके इसको कंबाइन कर दिया, तो हम इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। -4 जो है वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इसको भी और इसको भी, तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब कि -2x/-4, सही है, ये बन गया। और इसी तरह से -11 जो है वो भी डिवाइड हो रहा है -4 से, इसको भी हम अलग से लिख देते हैं, तो इज इक्वल टू वाई। अब ये देखें तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो डिवाइड हो रहा है उसको आपस में डिवाइड कर देते हैं, y इज इक्वल टू, एक तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, दूसरा 2 अंदर 2 एंड 2 2 4, तो ये बन गया 1/2x माइनस, अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस, सही है, तो 11/4। अब यहां पर देखें ये 1/2, अब इस इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के साथ y इज इक्वल टू mx+c, मैं यहां पर दोबारा लिखता हूं, y इज इक्वल टू mx+c, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर किया जाए, y लेफ्ट साइड है, इसकी भी y लेफ्ट साइड है, ठीक है, सही। उसके अलावा इसमें क्या है, mx, यहाँ पर क्या है 1/2x, ठीक है, m की जगह क्या है 1/2, तो इस 1/2 को हम कह सकते हैं कि क्या है, m है, ठीक है, प्लस c, c की जगह 11/4 आया। तो यहाँ पर मतलब कि ये दोनों इक्वेशन सेम है, क्योंकि इनकी
लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होनी चाहिए, सही है, क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब ये होता है कि इक्वालिटी, सही है, दोनों साइड्स की अगर जो है एक साइड भी किसी दूसरी इक्वेशन की साइड से इक्वल हो जाए, उसका मतलब है दूसरी साइड भी, मतलब लेफ्ट साइड इक्वल होनी है तो राइट साइड भी इक्वल होनी चाहिए इक्वेशन की, ठीक है। तो फिर इस तरह से एम की जगह 1/2 वो है और सी की जगह 11/4 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमने वो फॉर्म बना ली है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, बिल्कुल सेम है। एम की कोई ना कोई वैल्यू होती है जो कि यहाँ पर 1/2 है और सी भी कोई कांस्टेंट है, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट है या इंटरसेप्ट कांस्टेंट से कहा जाता है, तो वो 11/4 आ गया। तो ये हमने बना ली y इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस 11/4, ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि हमने एक शुरू की जो हमें इक्वेशन दी हुई थी, एक लाइन की इक्वेशन, सिंपल लाइन की इक्वेशन, तो हमने उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। अच्छा, अब हम आते हैं पार्ट टू पे। पार्ट टू में मैं कहा था वही जो इक्वेशन है, इक्वेशन हमारे पास थी 2x-4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपने कन्वर्ट करना है किसमें, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है। तो पार्ट टू हम कर रहे हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमने शुरू में देखा था उसकी जनरल इक्वेशन, उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1, सही है। तो मतलब कि एक x की टर्म यहां पर है लेफ्ट साइड पे, उसके बाद प्लस है और फिर y की टर्म है इज इक्वल टू 1, सही, ये होना चाहिए। तो हम इस इक्वेशन को लेकर चलते हैं जो कि हमें गिवन इक्वेशन है 2x-4y + 11 = 0। तो इसको हम सबसे पहले तो x की टर्म को इधर रहने देते हैं, ठीक है, y की टर्म को भी इधर रहने देते हैं लेफ्ट साइड पे, तो बाकी जो कॉन्स्टेंट है उसको हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है, ताकि इससे मिलती जुलती कोई इक्वेशन बने। तो हम ऐसा ही करते हैं, यहां से इस इक्वेशन को मैं लेके आता हूं, तो 2x-4y इज इक्वल टू -11। ये मैंने क्या किया कि सिर्फ कांस्टेंट को मैं राइट साइड पे ले गया हूं, क्योंकि इस इसमें जो जनरल इक्वेशन थी हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म की, उसमें एक्स टर्म और वाई टर्म वो दोनों लेफ्ट साइड पे, तो मैंने उन दोनों टर्म्स को राइट लेफ्ट साइड पे रहने दिया, ठीक है, कांस्टेंट को मैं दूसरी साइड पे ले गया। अब देखें तो यहां पर 11 की जगह -11 है, ठीक है, तो हमने ये हमेशा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 बनाने के लिए हम इस -11 को 1 कैसे बना सकते हैं, ठीक है, राइट साइड को 1 कैसे बना सकते हैं इस इक्वेशन की, तो अगर हम -11 से डिवाइड करें तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं -11 से राइट साइड को डिवाइड करूं तो उसका मतलब है मुझे लेफ्ट साइड को भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन है, इक्वालिटी हमने रखनी है, जो लेफ्ट साइड पे काम होगा वही राइट साइड पे काम होगा। तो हम ये करते हैं कि दोनों साइड से -11 से डिवाइड कर देते हैं, 2x/-11 -4y/-11 इज इक्वल टू -11/-11। ये मैंने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -11, सही। अच्छा, ये तो मैंने डिवाइड कर दिया, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2x/-11, ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, प्लस 4y/11 इज इक्वल टू, ये आपस में कैंसिल होके 1 बना देंगे, ठीक है, ये 1 तो बन गया। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, हमारे पास x के साथ कोई कोफिशियंट नहीं है, y के साथ कोई कोफिशियंट नहीं है, यानी कि 1 1 है, ठीक है, जो भी उधर नहीं आते, हम लिखते नहीं है 1 को साथ में। तो इसमें अब x के साथ 2 है और y के साथ 4 है, तो इनको हम इनको भी हमने खत्म करना है, सही है। तो वो हम कैसे खत्म करेंगे, देखें, अगर इस इक्वेशन को मैं इस तरह सिंप्लीफाई करके लिखूं कि x ओवर -11/2, ठीक है, इस 2 को जो है वो मैं डिवाइड के फॉर्म में ले आया हूं, तो ये बन जाएगा प्लस y इज डिवाइडेड बाय 11/4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस
इस तरह मैंने क्यों किया ना, इस वन को कोई फर्क पड़ा, ठीक है, और फिर एक्स और वाई के कॉफिशिएंट्स भी वन हो गए हैं, ठीक है। तो मतलब के वो इक्वेशन बन गई। अब इसके साथ हम कंपेयर करते हैं इन दोनों इक्वेशन को, ये दोनों इक्वेशन जो है, ठीक, इन दोनों इक्वेशन में क्या है, एक्स ओवर ए, एक्स ओवर -11/2, ठीक है। मतलब के ए की जगह क्या है, -11/2, और बी वाई ओवर बी, यहां पर ये प्लस है, डिवाइड नहीं, ये प्लस है, ठीक है। अच्छा, प्लस वाई ओवर बी, वाई ओवर 11/4, मतलब के बी की जगह 11/4 आ गया। तो मतलब के बी की वैल्यू हम 11/4 देख रहे हैं, और इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन, राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल आना चाहिए। मतलब के ए की जगह है -11/2 है, बी की जगह 11/4 है, तो बिल्कुल वही फॉर्म बन चुकी है। तो इस फॉर्म को हम कहेंगे, ये हमने उस इक्वेशन से टू इंटरसेप्ट फॉर्म्स बना लिए हैं, ठीक है। तो इसको हम दोबारा से लिख देते हैं, एक्स ओवर -11/2 प्लस वाई ओवर 11/4 इज इक्वल टू वन। तो ये हमारे पास बन गई टू इंटरसेप्ट फॉर्म, सही। अच्छा, अब इसको मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास ए थी वैल्यू और ये हमारे पास बी है वैल्यू, सही है। अच्छा, अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में उसने हमें कहा है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये जो हमें इक्वेशन गिवन है उसको हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इक्वेशन में दोबारा लिखता हूँ, 2x-4y+11 = 0, ये इक्वेशन में गिवन थी, ठीक है। पहले हमने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर हमने इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब हमें कहा गया है थर्ड पार्ट में कि इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म हम शुरू इस लेक्चर के शुरू में देख चुके हैं कि उसकी फॉर्म की शेप क्या होती है, किस तरह से उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक। तो वो मैं जनरल फॉर्म दोबारा से लिख देता हूँ नॉर्मल फॉर्म की, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, सही। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। अब इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो कॉस अल्फा की जगह पे कोई ना कोई कॉन्स्टेंट होगा, साइन अल्फा की जगह कोई कॉन्स्टेंट होगा, इज इक्वल टू पी आना चाहिए। तो ये हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं, उसका मेथड है एक, कि सबसे पहले आप जो है कॉन्स्टेंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाए। तो वो हम कर लेते हैं, 2x-4y = -11, ये मैंने क्या किया कि लेफ्ट साइड पे 11 कांस्टेंट था, प्लस 11 उसको राइट साइड पे जब लेकर गए तो -11 बन गया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को, -x² एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से मैं लिख देता हूँ कि -√ एक्स कॉफिशियंट एक्स का कॉफिशियंट इसका स्क्वायर लेना है, ठीक है, प्लस वाई का कॉफिशियंट, वाई कॉफिशियंट उसका स्क्वायर लेना है, ठीक है, और उसका अंडररूट ले लेना है और उसको माइनस के साथ लिख देना है, ठीक है। इस चीज से हमने दोनों साइड्स पे इस इक्वेशन को दोनों साइड्स पे डिवाइड करना है, ठीक है, तब जाके हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। तो हम ऐसे ही करते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस वाई, वाई का कोएफिशिएंट क्या है, -4 है, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर और क्या है, इसका स्क्वायर रूट है और साथ में माइनस साइन है, तो ये बन जाता है -√4+16, मतलब के -√20, -√20 से डिवाइड करना है इस इक्वेशन को, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -√20। तो डिवाइड करते हैं, 2x/-√20 - 4y/-√20 इज इक्वल टू -11/√20,
माइनस अंडर रूट 20, सही। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे कि 2 डिवाइडेड बाय माइनस अंडर रूट 20, ये माइनस, तो ये ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ये माइनस टर्म बन जाएगी, मतलब कि माइनस 2 ओवर अंडर रूट 20 होता है 2 अंडर रूट 5, सही। इसको हम इससे लिख सकते हैं, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 ओवर, साथ में इसके एक्स आएगा, ठीक है, और 4 ओवर 2 अंडर रूट 5 y इज इक्वल टू -11 बाय अंडर 20। तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल, ये बचेगा 11 ओवर 2 अंडर 5, ठीक है। अंडर 20 को मैंने 205 लिख दिया। अच्छा, अब इसको उस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया जाए, तो एक्स कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, ठीक है, मतलब कि कॉस अल्फा की जगह ये टर्म है, ठीक है, और साइन अल्फा की जगह ये टर्म आई हुई है। तो मतलब कि वो फॉर्म तो हमने बना ली, अब इसमें से इसकी वैल्यूज भी देख लेते हैं कि कॉस अल्फा की क्या वैल्यू है और साइन अल्फा की क्या वैल्यू है। तो ये जो है, इसको मैं कह देता हूँ ये क्या है, कॉस अल्फा, क्योंकि एक्स के साथ क्या था, जनरल फॉर्म में, एक्स के साथ कॉस अल्फा है, ठीक है, तो इसको भी मैं कॉस अल्फा कहूंगा जो एक्स के साथ है, और ये वैल्यू जो है वो साइन अल्फा, क्योंकि ये वाई के साथ है, जनरल फॉर्म में वाई के साथ साइन अल्फा आ रहा था, इज इक्वल टू, जनरल फॉर्म में पी है, पी की जगह ये उसकी वैल्यू आई हुई है, ठीक है, ये वैल्यू बन गई पी की। अच्छा, अब कॉस अल्फा जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, कॉस अल्फा क्या है, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू -2 ओवर 2 अंडर रूट 5, तो जो कि नेगेटिव है, मतलब कि लेस देन 0 है, ठीक है, नेगेटिव। और साइन अल्फा की वैल्यू जो हमने देख रहे हैं इस इक्वेशन में, साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या है, 4 ओवर 2 अंडर रूट 5, मतलब कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, नेगेटिव साइन नहीं है, साथ में ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव। तो उसका मतलब क्या है, कॉस अल्फा कहाँ पर नेगेटिव होता है, जहां पर साइन अल्फा पॉजिटिव हो, सही। ये अगर क्वाड्रेंट्स, चार क्वाड्रेंट्स थे, एक्स वाई एक्सिस में कौन से क्वाड्रेंट में कॉस अल्फा नेगेटिव होता है और साइन अल्फा या साइन थीटा जो भी है वो पॉजिटिव होता है, कॉस और साइन जो है वो किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। आपने फर्स्ट ईयर के ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज पढ़ी होगी कि साइन और कॉस कहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, कहाँ पर नेगेटिव होते हैं, तो इसमें हम यही चीज देखेंगे। अगर आप याद करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है, सही, मतलब कि ये लाइन लाई कर रही है सेकंड क्वाड्रेंट में, अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा फिर, अल्फा इज इक्वल टू 116.57 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। वो कैसे बना, देखिए यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉस अल्फा इज इक्वल टू है -2 ओवर 2 अंडर रूट 5, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी, कॉस इनवर्स, कॉस यहाँ पर आके इनवर्स हो जाएगी, कॉस इनवर्स ऑफ -2 ओवर 2 अंडर रूट 5, सही, जो अल्फा की वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर बन रही होगी इस तरह से, हमने पहले देखा कि कहाँ पर लाइक कर रही है वो लाइन, या एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरह से लाइक कर रहा होगा ये, ठीक है, ये बन रहा होगा एंगल, सही। अब अल्फा कैसे आएगा, अल्फा ये है हमारे पास, सही, उसमें हम 90 डिग्री, ये एंगल, इस एंगल में 90 डिग्री ऐड करेंगे, तो हमारे पास वो अल्फा आ जाएगा जो हमें चाहिए, ठीक है, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो ये फिर अल्फा की वैल्यू हमारे पास 116.57 आ गई। अच्छा, अब उसके अलावा उसने हमें क्वेश्चन में कहा था कि आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ईच लाइन, सही है, तो परपेंडिकुलर की हमें लेंथ
परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ओरिजिन से उस लाइन का। तो जिस तरह के हमने पहले ऊपर पढ़ा कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, मतलब कि 11 और 2 अंडर रूट 5 जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 0,0 ओरिजिन, सही। तो ये चीजें हमने यहाँ पर फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।